यस बेटे, आज की क्लास स्टार्ट कर दे। हाँ, आज सब तो पहले काव टुकड़ी करनी है, अनडिठी काव टुकड़ी, और उस तो बाद साहित्य माला बुक दे विच्चों वार्तक लेख प्रार्थना। प्रार्थना मीन्स अरदास, अरजोई, बेनती। केड़ी बुक विच्चों? साहित्य माला बुक जिदे विच्चों ऑलरेडी तुसी लास्ट वीक काव रचना कीती। केड़ी काव रचना कीती सी बेटे, बोलो बच्चे, केड़ी काव रचना कीती सी अपा लास्ट वीक? हाँ जी बच्चे, बोलो बच्चे, केड़ी कविता कीती सी? हाँ जी दिव्यांश, केड़ी कविता कीती सी बेटे? काव रचना, तू है मेरा पिता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। ठीक है, और कल ट्यूसडे नु तुहाडा टेस्ट डे है। सब तो पहले ये नोट कर लो, टेस्ट है जिहड़ा गूगल फॉर्म च आना। 25 मिनट मिलने हैं तुहानू, उस तो बाद लिंक है जिहड़ा क्लोज हो जाना। तुसी अपने रिस्पॉन्स भेजने हन, और तुहानू टाइमिंग्स पता ही है, 2 o'clock है। इत्थे टाइमिंग्स किसी नाल कोई कंसीडर तो हो नहीं सकते, क्योंकि गूगल फॉर्म च आना ते लिंक क्लोज हो जाना। इस करके प्रिपेयर करना है, जफरनामा इकांगी दे 1 mark क्वेश्चन क्विज टाइप आने हन, एमसीक्यू टाइप, और काव रचना दे क्वेश्चंस, देन गग्गा भाग मुहावरे, ओदे अकॉर्डिंग तुसी प्रिपेयर कर लेना। कल दी क्लास च मैं 10 मिनट प्रिपेयर भी करवा दूंगी। सब तो पहला अज काव टुकड़ी करिए, अनडिठी काव टुकड़ी। टाइटल दियो अपनी फेयर नोटबुक ते, ग्रामर पार्ट ऊपर लिखो, रीडिंग स्किल। सब बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया ना? मैनू उम्मीद है कि तुसी टाइमली कर लिया होना होमवर्क। जफरनामा इकांगी दे क्वेश्चन आंसर, काव रचना ते गग्गा भाग मुहावरे। हुण उसे नोटबुक ते करो अनडिठी काव टुकड़ी। पहला मैं ब्लैकबोर्ड ते लिखिया, उन्हों पहला समझना है। मैं क्वेश्चंस बोलांगी, तुसी सिर्फ 1 line च आंसर देना है। वैसे जो इस बार का पैटर्न है, उहदे अकॉर्डिंग तां तुहाडा रीडिंग स्किल सब्जेक्टिव है, पर हुण जो रिसेंटली सीबीएसई वालों आया कि 90 marks का थोड़ा एमसीक्यू टाइप पेपर होना, तो उसके अकॉर्डिंग तुसी 1 शब्द विच भी आंसर देना है। हुण मैं पूरा पैरा समझाना है तुहानू। इस पैरे दे अकॉर्डिंग तुसी 1 mark क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, और 2 marks क्वेश्चन भी कर सकते हो। 2 marks क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग मीन सब्जेक्टिव फॉर्म च भी आंसर दे सकते हो, जिवें तुहानू आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? पैरा देखो, पैरा भी मैं उस तरह का चूज किया जिहड़ा अज दा टाइटल है, जो असी वार्तक लेख पढ़ना है। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक और नोटबुक रेडी रखो। बुक है साहित्य माला, जिदे विच वार्तक लेख है प्रार्थना। प्रार्थना का सबनों मीनिंग पता है, प्रेयर जो असी रोज करते हैं। ये कोई खास किसी एक धर्म नाल संबंधित नहीं है, प्रेयर सारे ही, जेडे भी जिस गुरु नूं, जिस परमात्मा नूं, तो असी सारे पैदा हुए हैं। अपा लास्ट वीक रचना पढ़ी, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, कि परमात्मा जो साडा पिता माता, उहदे अगे अरजोई करनी जरूरी है। असी रोज अरदास करदे हां मॉर्निंग उठ के, कि परमात्मा साडा दिन है जिहड़ा सुहावना होए। रात नूं शुकराने दी अरदास करदे हां कि परमात्मा तुहाडी रजा अनुसार, तुहाडी मेहर सदका, तुहाडी कृपा सदका, अज दा दिन बहुत ही आराम नाल खुशियां भरिया बीतिया, ते सवेर दी जिहड़ी सवेर है साडी खुशियां भरी आए, कि रहण है जिहड़ी सुख च बतीत होई। आपां रात नूं अरजोई करके सोने आ कि जिहड़ा मॉर्निंग साडी चढ़े उह वी सुखां भरी चढ़े। इह रोज दी अरदास है। असीं अपने मन विच, मन ही मन विच करदे हां, जरूरी नहीं असीं किसी नूं दुखावा दे के अरदास करनी है। अरदास दा मतलब की है? अरजोई, बेनती, जिसने साडी रचना रची है उहदा शुकराना करना। हर पल अरदास है, किसी भी कौम विच। तुसी दुनिया च देख लो, जदों भी कोई कार विहार हुंदा है, जन्म वेले, मरण वेले, दुख वेले, सुख वेले, हर खुशी दे मौके ते, हर दुख दे मौके ते अरदास कीती जांदी है। जदों कोई साडी आत्मा विछड़ जांदी, साडे तो जीव आत्मा इस दुनिया तो चले जांदी है, तां भी आपां अरदास करदे हां। की अरदास करदे हां? कि परमात्मा जिहड़ी आत्मा विछड़ गई है, उसनूं अपने चरणां विच निवास बख्शी। जदों कोई साडे कारज रास हुंदे ने, घर विच कोई विआह शादी दा मौका, तां वी परमात्मा अग्गे अरदास करदे हां।
कि परमात्मा ये कार्य तुसी आप ही शुरू किया निर्विघन नेपरे चाड़ना अजि अरदास है जो दुख तकलीफ आती है तो असं परमात्मा अगे अरजोई करते हैं परमात्मा साढ़े तो केड़िया भुला हो गई जिन्हों करके सानू दुख तकलीफ आया दुख सुख तो परमात्मा की हुक्म विच ने परमात्मा ये परमात्मा सानू इन्हां दुखां तो छुटकारा दिओ निवृत्ति दिओ अपने लड़ ला लो सानू नाम सिमरन की दात दिओ ते जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया होया इंसान है जिन्हें यह सोच लिया कि परमात्मा की जोत तो असीं पैदा होए वो तो हर पल अरदास की करदा विसर नाहीं दतार अपना नाम दिओ कि परमात्मा तुहाडा नाम नहीं विसरना चाहिदा यही मेरी अरजोई है यही मेरी बेनती है काम करदे होए भी उठदियां बैठदियां सोंदियां जागदियां पढ़दियां लिखदियां परमात्मा तुहाडा नाम नहीं विसरना चाहिदा यह सब तो वड्डी अरदास है जदों इंसान अजिही अरदास करदा ना सरबत दे भले विच अरदास यह होनी चाहिए है निरस्वार्थ होके की गई अरदास परमात्मा की दरगाह विच प्रवान होंदी है निरस्वार्थ सिर्फ अपना भला नहीं दूजा का नुकसान हो जाए तो अरदास प्रवान ही नहीं होनी अरदास केड़ी प्रवान होनी है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा पण अरदास इत्थे संपूर्ण होंदी है अरदास की पूर्णता यह है कि है अरदास के सब दे भले की जाचना विच कीती गई अरदास परमात्मा की दरगाह विच प्रवान होंदी है यह वार्तक लेख असी अज पढ़ना डॉक्टर बलबीर सिंह की रचना है प्रार्थना देखो तुम जिन्या रचनावां पढ़ रहे हो ना सारिया मैसेज गिविंग तुहानू एक सुनेहा दिंदियां ने स्टूडेंट लाइफ च कि असी क्यों जे कर्म करने हैं क्योंकि यह जिंदगी है जिहड़ी इह तां चलदी रहनी है रुकनी नहीं है तुहाडा बचपन बीत गया तुसी जवानी च पैर रख्या हुण जवानी दे विच तुसी पढ़ना लिखना भी अपनी जिंदगी बारे भी सोचना है अपने फ्यूचर बारे भी सोचना है पर नाल नाल उस परमात्मा दा ध्यान करना है परमात्मा दा शुकराने दी अरदास करनी बहुत जरूरी है कि परमात्मा सब कुछ तेरी रजा च हो रहा है तेरी रजा तो बिना इस संसार विच कुछ नहीं वापरदा यह तुसी लास्ट रचना विच पढ़िया है ते अज वार्तक लेख भी यही है अरदास बेनती अरजोई वड्डे वड्डे राठ राजे महाराजे सब अरदास दे कायल ने इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जेही नहीं है अजिहा नहीं है जो कि अरदास का कायल ना हो हर कोई इंसान अरदास करता है भावे कोई राजा महाराजा वड्डा है पुंचा होया है नेता है जदों भी कोई दुख सुख आंदा है तो अरदास जरूरी है कोई भी मौका अजिहा नहीं है जदों अरदास ना कीती जावे इस वार्तक लेख दे विच वैसे जे आपां सोचे कि वार्तक हुंदी कि साहित दे दो रूप ने कविता ते वार्तक कविता ते वार्तक की है दो रूप साहित दे साज माहित सारयां दे हित लई लिखियां गईयां रचनावां कविता दे रूप च भी हो सकदियां वार्तक दे रूप च भी वार्तक दे विच किहड़े किहड़े हिस्से आंदे आ नावल नाटक कहानी जीवनी निबंध लेख हुण इह वार्तक लई जिहड़ा असीं पढ़ना है प्रार्थना प्रार्थना नहीं बोलना डबल र है एक पैर च र है एक पूरा र है प्रार्थना किसी रचना डॉक्टर बलबीर सिंह की इस तो पहला तुसी दो वार्तक लेख पढ़े कोई दस सकता है प्लीज रेज योर हैंड्स केड़े वार्तक लेख पढ़े सन यस बच्चे दो वार्तक लेख पढ़े है सक्षम ग्रोवर यस बच्चे घर दा प्यार ते बोली घर का प्यार ते बोली दोनों वार्तक लेख सानू जीवन जात दिसन वाले सन घर का प्यार प्रिंसीपल तेजा सिंह का लिखा होया ते बोली लेख गुरबख्श सिंह का लिखा होया तुसी पढ़िया सी शायद देखो तुसी वार्तक लेख सरदार गुरबख्श सिंह का कि बोली साड़ी आत्मा का चित्र है जेकर मूह साड़ी शरीर का चित्र है तो बोली साड़ी आत्मा की पछाण है जिस राही असी जिंदगी विचरते हाँ तो घर का प्यार जिन्हों नहीं मिले तो बेचारा इंसान ही नहीं है जिथे कि मनुख दियां सदरां उमंगा पलदियां ने ते अज दा वार्तक लेख है प्रार्थना पर प्रार्थना करन तो पहला तुसी पैरा करोगे वह भी अरदास ही है विशा जिस पैरे दा उहदे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करोगे नोट करो पैरा पैरा मैं सेंड भी कर दांगी तुहानू पर फर्स्ट लाइन ते लास्ट लाइन डॉट पा के लिखो अपनी नोटबुक ते इहदे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बोलदी हां तुसी आंसर दोगे सोच समझ के पैरा समझो पहले तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे
तुमरी कृपा में सूख घनेरे। लाइना अपने आप समझ आएंगे जब तुम रीड करोगे। तुमरी कृपा में सूख घनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुमते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये पैरा है, ये पैरे च मीनिंग समझ लो। ठाकुर मीन्स परमात्मा। जो मीनिंग आने पहला समझना है, जिवें तुसी तुम मात पिता हम बारिक तेरे, ठीक है। जिवें तुसी लास्ट लास्ट वीक रचना पढ़ी थी, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदर, तू मेरा प्राता। सब कुछ परमात्मा है, पिता माता साडा सब कुछ परमात्मा है। साख संबंधी रिश्तेदार बंदर प्राता सब कुछ परमात्मा है। इसे तरह ही तू मात पिता हम बारिक तेरे। कौन दसेगा बारिक का मीनिंग, अपने आप समझो पहले। तुम जियो पिंड सब तेरी रास। पिंड का मतलब की है, इत्थे गुरबाणी विच पिंड का मतलब की लिया। जियो का मतलब संसारक जीव का जिहड़ा पिंड है, वह परमात्मा का दी रास है। रास मीनस सोच के देखो, वैसे जे किसी मीनिंग आते हो। यस बेटे, कोई दस सकता मीनिंग? ट्राई करके देखो। चलो ट्राई करो, फिर मैं नाल नाल मीनिंग तुम दसांगी। बेटे ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर वीडियो। बच्चे तुसी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते बेटे, प्लीज। इन्नी अच्छी अटेंडेंस दिंदे हो, तुसी रेगुलर भी हो, तुहाडी क्लास च आके तां मैनूं बहुत ही, मैं तां खुश हो जाती हाँ कि मेरे बच्चे ने जिहड़े रेगुलर क्लास लगांदे। सगो जूनियर क्लासिस दे बच्चे भी नहीं लगांदे। ते बेटे रिस्पोंस भी दिया करो, टर्न ऑन योर वीडियो ऑल ऑफ यू। महक बेटे सोच के देखो मीनिंग। ठाकुर मीन्स मालक। मालक कौन है साडा? परमात्मा। बारिक मीन्स बच्चे, असी संसारक जीव। एक एक वर्ड का मीनिंग देखो, एक एक वर्ड का मीनिंग देखो बेटे। बारिक मीन्स बच्चे, तू ठाकुर तुम पे अरदास। किसे चरणा विच अरदास बिनती है? परमात्मा दे चरणा विच। जियो पिंड, पिंड मीन्स शरीर। यह मनुखी जीव, मनुख का शरीर किसी पूंजी है। रास मीन्स पूंजी। मीनिंग लिखो, अणडिठी काव टुकड़ी है, तुहानूं मीनिंग आने जरूरी है। तुहाडी वोकैबलरी इनक्रीज होएगी जे आपां पैरा करांगे। हुण मैनूं पता है कि अज तुहानूं इह मीनिंग नहीं आउंदे। पिंड का मतलब शरीर गुरबाणी विच आया, रास का मतलब पूंजी। नैक्सट, तू मात पिता हम बारिक तेरे। बारिक का मतलब, हम बारिक का मतलब तुसी समझ लोगे। जिथे आ गया ना तू मात पिता, कि परमात्मा साडा माता पिता, ते असी उन्हां दे की हाँ, ये तो मीनिंग दस सकते हो। चलो रेज योर हैंड, ट्राई करो, वेरी गुड। एदा मीनिंग दसो ग्रोवर, सक्षम ग्रोवर। तू मात पिता हम बारिक तेरे। बारिक मीन्स यस बेटे, बच्चे। वेरी गुड, बारिक का मतलब की है? बच्चे, ठीक है बच्चे। बारिक मीन्स बच्चे। अगे है तुम मात पिता, तुमरी कृपा में सुख नेरे। किसी कृपा नाल सुख मिलता है? परमात्मा की कृपा नाल। परमात्मा की कृपा नाल की मिलता है? यह भी क्वेश्चन आ सकता। सुख कनेरे, कनेरे का मतलब बहुत ज्यादा अणगिनत सुखा की प्राप्ति होंगी है। किसी मेहर नाल? परमात्मा की मेहर नाल, परमात्मा की कृपा दे नाल। अगली लाइन, कोई ना जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवान। परमात्मा दे गुण दसो। परमात्मा उच्चा तो उच्चा है, सर्व शक्तिमान है। परमात्मा की लीला का अंत कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? यदा आंसर लो, कोई ना जाने तुमरा अंत, कोई भी नहीं जान सकता। परमात्मा आप ही अपनी लीला बारे जान सकता है। समझ आ गई? नेक्स्ट, सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी। सारी सृष्टि किदे हुक्म विच बजी हुई है? सारी सृष्टि किसके हुक्म विच बजी हुई है? यस बेटे, सारी सृष्टि सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, परमात्मा दे हुक्म विच बजी है। सूत्र दा मतलब होता है धागा। ये सारे दुनियावी पदार्थ किसके हुक्म विच बजे हुए ने? परमात्मा दी रजा विच। सगल समग्री, समग्री मीन सारे दुनियावी पदार्थ, सारी दुनिया, सारी सृष्टि। सगल मीन सारी, परमात्मा दे हुक्म विच बजी हुई है।
सूत्र का मतलब धागे बजी हुई है, धागे का मतलब हुक्म। तुमते हुए सो आज्ञाकारी, संसार भी सब कुछ किसकी आज्ञा नाल हो रहा है, परमात्मा की आज्ञा नाल हो रहा है। तुमरी गतमित तुम ही जानी, परमात्मा की लीला कौन जा सकता है, परमात्मा आप ही अपनी लीला जान सकता है। गतमित मीनस लीला, जो कुछ वापर रहा है संसार में परमात्मा ही पता है। नानक दास सदा कुरबान, मनुख किस रूप में कुरबान जाता है परमात्मा तो, दास के रूप में। किस रूप में अरदास की गई है परमात्मा के, दास के रूप में। क्लियर है, समझ आ गई। क्वेश्चन लिखो हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, इस अणडिठी काव्य टुकड़ी का मुख्य विषय की है, कौन दसेगा? रे योर हैंड। आप फिर वार्तक लेख करना है, पहले इन समझो बेटे, पैरे नोट कर लिया सबने बेटे पैरा? प्लीज रिस्पोंस दिया करो बच्चे, आज 4 स्टूडेंट्स एबसेंट है। यस बेटे रिस्पोंस दियो, इस काव्य रचना का मुख्य विषय की है? की है बेटे मुख्य विषय? हाँ जी बेटे, दिशांत, दिशांत, दक्षिता, बोलो बच्चे आंसर। अरदास है, उत्थे ऑप्शन दित्तियां होणगियां। इस काव्य टुकड़ी का विषय मनुख है, संसार है, जीव जंतु हैं कि अरदास है? की आंसर दोगे? अरदास। जे यह काव्य टुकड़ी वो विकल्पी रूप चाहती है, पर जे यह 2 मार्क्स क्वेश्चन चाहती है, फिर तुसी डिटेल च दे देना कि इस अणडिठी काव्य टुकड़ी के विच विषय अरदास लिया है, जिससे अगे के असी संसारक जीव परमात्मा दे के अरजोई करते हाँ, परमात्मा साडा माता पिता है। नैक्सट क्वेश्चन, ठाकुर ते बारिक शब्द किस लिए वरते गए हैं? प्रिंसी, ठाकुर ते परमात्मा, ठाकुर शब्द परमात्मा ले ही, अलग अलग मीनिंग दसो बेटे, बारिक शब्द विषम साडे लिए, ते बारिक शब्द मनुखा ले। यस, संसारिक जीवा ले। असी बच्चे, बारिक मीन्स बच्चे, बच्चे मीन्स संसारिक जीव, ठाकुर मीन्स मालक परमात्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह शरीर किसी पूंजी है, किसी रास है, रास का मतलब पूंजी, ये मनुखी शरीर किसी सिरजिया होया? तानिया, परमात्मा, 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 परमात्मा की कृपा नाल की मिलता है? अगली लाइन, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, यस अनगिनत सुख। यस, अनगिनत, अपने आप क्लियर होएगा। सब तो पहला अणडिठी काव्य टुकड़ी दे प्रश्न उत्तर करन तो पहला माइंड विच उसकी व्याख्या समझनी है बेटे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ना जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवान, परमात्मा दे गुण बयान करो। ये 2-3 लाइना च आंसर बोलो, कौन दसेगा? परमात्मा दी महिमा दसो, 1 लाइन च दसो, 2 लाइन च दसो, जो इहदे च बयान कीती है, उच्चे ते उच्चा भगवान परमात्मा की है? हाँ जी, कौन दसेगा? रेज योर हैंड। तुसी तां ओ वाली रचना च भी पढ़िया, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधन, तू मेरा प्राता। कौन दसेगा बच्चे? प्रिंसी, यस बेटे प्रिंसी, बोलो बेटे। परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा दा अंत नहीं हो सकता, परमात्मा हर संसारक जीव तो ऊपर है, परमात्मा उच्चा तो उच्चा है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि परमात्मा दे हुक्म विच बजी हुई है। ठीक है, जे एक गुण दसना है सर्वशक्तिमान, उच्चा तो उच्चा, उच्चे ते उच्चा भगवंत, जे इस लाइन दे भाव आ जाए कि उच्चे तो उच्चा भगवंत दा की मीनिंग है, एक वाक विच आंसर दियो। परमात्मा सब तो उच्चा है, सर्व उच्च है, सर्व उच्च, सर्व अगेत्र लाके, सर्व शक्तिमान, सर्व व्यापक, परमात्मा हर पासे व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी सृष्टि किसने हुक्म विच बजी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन दे अकॉर्डिंग, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी। तानिया, यस बेटे तानिया, मैम परमात्मा दे हुक्म, यस परमात्मा दे हुक्म विच की हो रहा है जे उल्टा क्वेश्चन आ जाए?
परमात्मा दे हुक्म ही सारी सारी सृष्टि चल रही है। सगल समग्री तो की भाव है सारी सृष्टि, सारे दुनियावी पदार्थ। सूत्र धारी तो की भाव है हुक्म विच बजी हुई है। एक एक वर्ड का मीनिंग आना जरूरी है। रास का की मतलब है पूंजी सरमाया। पिंड का की मतलब है गुरबाणी विच यह मनुखी शरीर। मीनिंग लिख लो बेटे एक साइड ते, मनुखी शरीर। लास्ट पैरा तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। मनुख वालों किस रूप विच अरदास कीती गई है? बोलो बेटे क्वेश्चन, किस रूप विच, किस रूप विच नानक दास सदा कुर्बानी? ए लाइन च आंसर है। चलो बिसम दास, दास दे रूप विच। परमात्मा की है मालक है, असी की हां मनुखी जीव जो कि उसके बच्चे हां। दास दे रूप विच परमात्मा दे अगे अरदास कीती गई है। परमात्मा दी लीला दा अंत कौन जान सकदा है? लास्ट क्वेश्चन बोलो। सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा। वेरी गुड। परमात्मा ही अपनी लीला दा आप अंदाजा ला सकता है, और कोई इस संसार विच परमात्मा दा भेद नहीं पा सकता। डन बेटे? अनडिठी कास्ट करना। नाउ लिसन, अपनी फेयर नोटबुक ते इस सारा काम करके मेनू नोटबुक चैकिंग लिए सेंड करना है। अनडिठी काफ टुकड़ी, गग्गा भाग मुहावरे, इकांगी दे वड्डे प्रश्न उत्तर और काव रचना दे वड्डे प्रश्न, ठीक है बच्चे? और कल दे टेस्ट नू प्रिपेयर करना है। कल जेड़ा टेस्ट है तुहाडा बहु विकल्पी। हुण आपां गल करिए वार्तक लेख प्रार्थना। अज वार्तक लेख आपां समझदे हां, कल आपां रीडिंग करांगे। इहदी वार्तक लेख समझो, पहला डॉक्टर बलबीर सिंह दे बारे पढ़िए। डॉक्टर बलबीर सिंह दी रचना है प्रार्थना। लेखक का नाम है डॉक्टर बलबीर सिंह। नाउ लिसन केयरफुली, मैं ही रीड कर दी हूं बेटे। डॉक्टर बलबीर सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1896 नूं, अंडरलाइन कर लो क्योंकि लेखक बारे भी क्वेश्चन आने हैं, लेखक बारे क्वेश्चन आने हैं बेटे। डॉक्टर बलबीर सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1896 नूं पिता सरदार चरण सिंह के घर, माता सरदारनी उत्तम सिंह के घर होया। उत्तम कौर, उत्तम कौर माता का नाम है, अमृतसर जिले में। आपको बचपन तो ही साहित्य का अते ज्ञान प्राप्त करन दी लगन सी। साहित नाल बड़ा प्यार सी। सा जमाहित पंजाबी लिटरेचर जिदे दो रूप ने कविता ते वार्तक। आप खालसा कॉलेज अमृतसर विच प्रोफेसर रहे ते कुछ समा कैम्ब्रिज प्रेपरेटरी स्कूल देहरादून विखे प्रिंसीपल भी रहे। प्रिंसीपल दा अहुदा भी संभालिया। आधुनिक पंजाब वार्तक दे मोढ़ी लेखकां विच आपदा नाम आंदा है। वार्तक लेख दे मोढ़ी वैसे होए ने भाई वीर सिंह जी, जिवें कविता दे मोढ़ी ने ना उवें भाई वीर सिंह जी भी होए ने। और मोढ़ी लेखां च किहड़े किहड़े लेखक आंदे ने? प्रिंसीपल तेजा सिंह, गुरबख्श सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह, भाई वीर सिंह, ठीक है। विशेष स्थान रखता है आप जी दी प्रसिद्ध पुस्तकां लम्मी नदर, कलम दी करामात, शुद्ध स्वरूप, सूरत शब्द विचार, निरुक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की भी व्याख्यान किया उन्होंने। आप दी विद्वता का प्रमाण आप दी लिखता ने। किसी व्यक्ति की विद्वता बारे जानना हो तो उस लिखता पढ़ के जानिया जा सकता है कि वह इंसान कितना विद्वान है। आप जी दी वडमुलियां साहित्यिक सेवावां करके पंजाब यूनिवर्सिटी वालों आपको डी लिट की डिग्री दी गई। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की डिग्री दी गई, देके सन्मानिया गया। तो उन्होंने श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार का पुरस्कार भी मिलिया। हुण आपां गल करिए प्रार्थना ले। प्रार्थना का मीनिंग अरदास, अरजोई, बेनती। प्रार्थना किस रूप में की जाती है? दातां लैण दे रूप में, शुकराने दे रूप में। परमात्मा तो असी सारे ही संसारक जीव मंगते हाँ, पर मंग साड़ी उदों पूरी होंदी जदों असी सरबत दे भले की याचना विच अरदास करते हाँ। वह अरदास संपूर्ण होंदी है। हुण फस्ट पैरा रीड करते हाँ। तुहाडे चों कौन रीडिंग करेगा बेटे? महक रीडिंग करोगे बच्चे प्रार्थना के बारे? महक, सब बच्चों को बुक है बेटे? यस बेटे। वार्तक भाग प्रार्थना लेख थर्ड वार्तक लेख है। दिव्यांश, हाँ जी बेटे दिव्यांश। गुड मॉर्निंग मैम।
यस बेटे रीडिंग करोगे? यस। चलो फर्स्ट पैरा रीड करो। बंदे लिए अरदास क्यों जरूरी है? प्रार्थना का मीनिंग है अरदास। उस तो बाद प्रिंसी रीडिंग करेगी। प्रिंसी अपनी बुक देख लो। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, साहित्यमाला बुक, वार्तक भाग, प्रार्थना लेख, डॉक्टर बलबीर सिंह की रचना, जिदे विच असी अरदास की अहमियत पढ़नी है कि अरदास बंदे लिए किन्नी जरूरी वस्तु है। कोई भी मौका संसारक मौका अजिहा नहीं जो असी अरदास ना करते होइए। यस बेटे, बंदे लई अरदास इक जरूरी वस्तु है। कई मौके आउंदे हन जदों कि वड्डे राठ मनुख लई भी कोई आसरा नहीं रही जांदा। हां जी, सिवाय इक अरदास दे। राठ दा मतलब है वड्डे वड्डे शहजादे, अमीर, जेड़े तख्तियां दे भी मालक ने। कोई भी वड्डे तो वड्डा मनुख अजिहा नहीं है कि जिससे अगे अरदास की अहमियत ना समझ आती हो। जो कोई भी आसरा नहीं रह जाता ना वड्डे तो वड्डे मनुख लई, तो वह अरदास करता है। यस। सब तो सियाणा आदमी शुकरात गिणिया जाता है। यस। एह तो बेपरवासी। जहर दा पहला इसने शरबत वाको भी लिता सी। यस, कहंदा सुकरात दी उदाहरण दित्ती है। आपां अगे भी सुकरात दे बारे पढ़िया होया, इक अंड ठी काप टुकड़ी भी कीती सी जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सी इक पढ़िया विवेक विचार गुरु ग्रंथ साहिब विच, उत्थे सुकरात दा नाम भी आया सी। सुकरात यूनान दा इक दार्शनिक विद्वान होए, अपनी दार्शनिकता करके प्रसिद्ध सी, जिसने परमात्मा दा बड़ा खौफ रख्या ते जहर दा प्याला अमृत समझ के पी लिया सी। ते ओ इंसान भी अरदास दा कायल सी। कायल मीन्स खिचिया होया सी कि अरदास करनी बहुत जरूरी है। सुकरात जिहड़ा कि दुनिया दा सब तो दार्शनिक विद्वान मन्या गया है, उहदे जीवन विच भी अरदास की बहुत अहमियत सी। उन्हें की अरदास कीती? अपने देवता नूं याद करके अरदास की करता है। एक थावें उसने कहा है, ओ प्यारे पैन देवता अते इस थां दे होर सारे देवतियो, मेरी ए अर्ज कबूल करो कि मेरी अंदर दी रूह सुंदर बन जावे अते मेरियां सारियां बाहरलियां शक्तियां इस अंदरली आत्मा दे नाल इक सुर हो जान। ए उन्हें अरदास कीती है। देखो किन्नी सोहनी अरदास करन दा तरीका। देखो अपनी अंदरली रूह नूं सुंदर बनाउण दी गल कीती है। सब नूं पता है अंदरली रूह आत्मा साडी सुंदर किवें बनदी है, साडे मिठे बोलां नाल, साडे कीते कर्मां नाल। नेक कर्म जदों करदे हाँ असीं, सही मार्ग ते चलदे हाँ, सच दे मार्ग ते चलदे हाँ, एक लाइन दे विच उहने अरदास कर दित्ती, मेरी अंदरली आत्मा सुंदर बन जावे। बाहरी रूप च तां असीं बहुत वधिया बंदे हाँ, लोकां दे अगे सच्चे भी बनदे हाँ, किसे नूं की पता साडे अंदर की है। फिर दूजे खत्म किते कीती कि मेरियां जिहड़ियां सारियां बाहरलियां चीज़ां ने ना, बाहरलियां वस्तां, दुनियावी पदार्थ इस अंदरली आत्मा नाल इक सुर हो जान। इहदा भाव समझदे हो? इक सुर हो जान मीन अभेद हो जान। किन्नी वधिया अरदास कीती इक सुकरात जो कि दार्शनिक विद्वान होया। ओ प्यारे पैन देवता, उसका देवता कौन है? पैन देवता। ठीक है, अपने अरदास ही जरूरी नहीं है कि एक धर्म दे लई पर्टिकुलर है। अरदास असी सारे संसारिक जीव करते हैं, जिस नूं आपां गुरु मन के परमात्मा मन के चलते हैं, क्योंकि ये परमात्मा एक है। असी सारे जीवी एक जोत तो पैदा हुए हुए हैं। ठीक है, इस करके सारे ही असी उस परमात्मा अगे अरजोई करते हैं। तो सुकरात ने भी अरदास की सी कि मेरी अंदरली रूह सुंदर बन जाए तो मेरिया बाहरलिया वस्तां इस अंदरली रूह नाल एक सुर हो जाए। हुण नाल नाल पैरावाइज तुहानूं क्वेश्चन आने हैं कि दार्शनिक विद्वान किहड़ा होया जिहने अरदास कीती? सुकरात ने। जदों वड्डे वड्डे राठ व्यक्ति भी इस दुनिया तो तंग आ जांदे हन, कोई आसरा नहीं रहिंदा, तां उहनां दे लई की चीज़ अहमियत रखदी है? अरदास। नैक्सट पैरा बेटे प्रिंसी। मैम मैं रीड करूं? हां जी बेटे, तुसी कौन? महक मैम, वो पहले माइक नहीं ऑन हो रहा। हां बेटे महक, चलो बच्चे तुसी करो, फिर बाद च प्रिंसी करेगी।
ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਪਰਮਾਰਥਿਕ 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 ਪਰਮ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਰਮ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਰਮ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਵਿਚਾਰ ਯੈਸ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਯੈਸੇ ਅਵਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੱਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਰੈਂਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਵਸਰ ਅਵਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੇਖ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਤੇ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ